नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ हरियाणा की एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी शेयर करने वाली हूं। आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने ये 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के अब इसमें हमें गूँथ के तैयार करना है। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले हमें आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद इस तरह से इसमें दोनों हाथों से लोच लगाते हुए आटे को गूंथ के हमें तैयार करना है। कम से कम 4-5 मिनट तक हम ये वाला स्टेप ज़रूर करेंगे, इससे आटा जो है वो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनके तैयार होगा। इस तरह के आटे से चाहे आप पराठे बनाएं, पूरियां बनाएं या फिर रोटियां सेकें, बहुत बढ़िया सिक के तैयार होती हैं सारी चीज़ें। ना तो आपकी रोटी बिल्कुल चिपकेंगी और एकदम गोल गोल बन के तैयार होंगी। थोड़ा सा हम हाथों पे घी लगा के एक बार दोबारा से इसको मसल लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अच्छी और मुलायम सॉफ्ट रोटी बनाने की, आटा गूंथने के बाद उसको कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। आटे को अच्छे से फूलने देंगे तभी हमारी रोटियां एकदम फूली फूली बनके तैयार होंगी। देखिए कितना बढ़िया आटा हमने गूंथ के तैयार किया है। अब इसको ढक के रख देंगे और इसे सेट होने देंगे। हाथ भी देखिए क्लीन हो गए हैं, परात भी पूरी क्लीन है, बहुत अच्छा आटा गूंथा है। और ये देखिए 15 मिनट के बाद आटा बिल्कुल अच्छा सा फूल के तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया वाला। इसे आप एक बार फिर से मसल लें। और अब इसकी हम रोटियां सेकेंगे। रोटी हम थोड़ी सी मोटी सेक रहे हैं, अगर आप इसे चपाती बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी जैसा आपको पसंद हो वैसी बना सकते हैं, पर आज हम एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मोटी रोटी की ज़रूरत है। जितनी आप रेगुलर चपाती बनाते हैं उससे डबल साइज का आटा मैंने लिया है। अगर आपने आटा अच्छा गूंद के तैयार किया है तो आपकी रोटियां भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती हैं। इसी तरह से हमें बेल के रोटियां तैयार कर लेनी है। साथ के साथ हम इसे सेकते भी जाएंगे। रोटी का मैंने देखिए साइज भी थोड़ा बड़ा रखा है और थिकनेस भी थोड़ी सी मोटी रखी हुई है। देखिए इस तरह से ना तो आटे पे बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही कोई चिकनाहट लगाने की, क्योंकि आटा बहुत अच्छे से फूल के एकदम चिकना बन के तैयार हो गया है। अब आप जितनी बड़ी चाहें रोटी बेल सकते हैं। और देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल के तैयार होगी, ये देखिए। एकदम नरम मुलायम फूली फूली रोटी बन के तैयार हुई है। अब इन्हें हम किसी कपड़े में लपेट के या फिर अगर आपके पास कैसरोल है तो उसके अंदर एक के बाद एक डालते जाइए, क्योंकि रोटी को हमें थोड़ा सा गर्म ही रखना है। सारी रोटी हम सेक लेंगे उसके बाद रेसिपी बनाना शुरू करेंगे।
सारी रोटियां सेकने के बाद अब हम मिक्सी के जार में डाल के इनको हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं करना है, आप चाहें तो इनको हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मिक्सी में ये आराम से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाता है। सभी रोटियों को हमें इसी तरह से पीसना है, एकदम आपको बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, हल्का मोटा रखना है। और ये देखिए हमने सारी रोटियां पीसने के बाद अब इसमें घी डाल देंगे और अब हाथ की सहायता से इसको बिल्कुल हम सॉफ्ट होने तक इस तरह से मस लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट इसको आपको बनाना है, कोई भी इसमें टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हलवे वाला इसका टेक्सचर आ जाए तब तक आप इसको इसी तरह से मिलाते रहें। अभी देखिए एकदम सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब दोनों हाथों के बीच में डाल के इस तरह से भी इसको मसल सकते हैं, जिससे इसमें कोई अगर बड़ा भी टुकड़ा रह गया होगा तो वो भी एकदम बारीक हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट हमारा ये चूरमा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये देसी खांड डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब खांड को भी हमें इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम घी और डालेंगे ऊपर से। अगर आपका लग रहा है कि आपका ये चूरमा ठंडा हो गया है तो आप इस घी को थोड़ा सा गर्म करके मिक्स करें। और ये हो गया हमारा मज़ेदार सा, बहुत जल्दी बनने वाला टेस्टी, साथ ही साथ हेल्दी सा चूरमा बनके तैयार। और इसके सामने हलवा या फिर बाकी सारी मिठाइयाँ फीकी लगती हैं। जिस किसी को भी चूरमा पसंद है, एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के खाएं, आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। गर्मा गर्म आप दाल के साथ, सब्जी के साथ, या फिर जैसे आपको पसंद है वैसे सर्व करें। पहले हम थोड़ा सा गाय का निकाल देंगे, आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना के 4-5 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है और ठंडा होने के बाद भी खाने में अच्छा लगता है। अगर आप गरम गरम खाना चाहें तो इसको जब भी आपको खाना हो हल्का सा गैस पे गरम करके खा लें। थोड़ा सा घी और ऊपर से इसमें डाल लेंगे और हमारा मज़ेदार सा चूरमा तैयार है। कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।